तो देखिए फ्रेंड, आज हमने बनाए हैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल दही भल्ले। मैं आपको यहाँ पे कट करके दिखा रही हूँ। देखिए इनके बीच में ना ही बिल्कुल भी गांठ नहीं है, ना ही सख्त है, बिल्कुल मार्केट जैसे सॉफ्ट बने आप देख सकते हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कट करके। देखिए आ रहा है ना मुंह में पानी। तो फ्रेंड इन्हें बनाना बहुत आसान है, बस वीडियो में मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगी आप अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, तभी जो आपके ये दही भल्ले हैं बिल्कुल मार्केट जैसे सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। मेरे बहुत से व्यूअर्स ने कहा कि उनके जो दही भल्ले हैं वो अंदर से सख्त हो जाते हैं या उनके अंदर गांठे हो जाती है। अगर आप भी दही भल्ले बनाते समय आपके भल्लों में भी इसी तरह से गांठे बनती है या वो सख्त बनते हैं तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। और मेरी आपसे गारंटी, अगर आप इस तरह से दही भल्ले बनाएंगे तो आपके एक भी दही भल्लों में गांठे नहीं पड़ेगी और ना ही वो सख्त बनेंगे। तो चलिए हम अपने रसोई घर में चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं दही भल्ले। दही भल्ले बनाने के लिए हमने यहाँ पे ली है आधी कटोरी मूंग दाल और एक कटोरी उड़द दाल। देखिए उड़द दाल को मैंने रात भर पानी में भिगो के रख दिया था, ये फूल के डबल हो गई है। अगर हम रात भर दालों को भिगोएंगे तो दही भल्ले हमारे बहुत सॉफ्ट बनेंगे। आप चाहें तो इसे 4 से 5 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। आधी छोटी कटोरी मूंग दाल की हमने ली, उसे भी रात भर पानी में भिगो दिया। और इन दोनों दालों को हम मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेंगे। दोनों दालों को हमें ग्राइंडर में डाल के 1 से 2 चम्मच पानी डालते हुए पीसना है। इसमें हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो दाल हमारी एकदम से पतली हो जाएगी और भल्ले नहीं बनेंगे। और अब इसमें मैं 1 से 2 चम्मच पानी डाल के दाल को पीस लूँगी। हमने दोनों दालों में 1 से 2 चम्मच पानी डालते हुए उन्हें पीस लिया था और आप देख सकते हैं दाल का हमारा बहुत अच्छा पेस्ट बनके तैयार हुआ है। अब हम इसे एक बड़े बर्तन में लेके इस तरह के से हाथों की उंगलियों से और हथेलियों से इस दाल को खूब फेंटना है। कम से कम फ्रेंड इसे हम 8 से 10 मिनट तक फेंटेंगे। ना ही हमने इसमें मीठा सोडा डाला है, ना ही बेकिंग पाउडर, लेकिन आज ये दही भल्ले जैसे मार्केट में बनते हैं ना वैसे ही बन के तैयार होंगे। आप इन्हें एक बार बनाएंगे तो मेरी गारंटी है आप इसे बार बार इसी तरह से बनाएंगे। बस थोड़ी सी मेहनत हमें फेंटने में लगती है, लेकिन क्या हुआ, दही भल्ले भी तो बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे ना। इसी तरह से मैं दाल को चलाते हुए लगभग 8 से 10 मिनट तक फेंट लूंगी। देखिए फ्रेंड दाल कितनी फ्लफी हो गई है, मैंने इसे लगभग 10 मिनट तक फेटा है। इस तरह से अगर हम दाल फेट के दही भल्ले बनाएंगे तो दही भल्लों में कहीं से भी एक भी दही भल्ले में आपके गांठे नहीं पड़ेगी। और अब इसमें हम डालेंगे 20 से 25 किशमिश। किशमिश डालने से जो टेस्ट है ना फ्रेंड, उसका बहुत टेस्ट अच्छा आता है। और इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इन दोनों चीज़ों को हम हाथों से मिला लेंगे। और दाल का बैटर आप देख सकते हैं कितना फ्लफी हो गया है। अब इनके हम जब दही भल्ले बनाएंगे तो बहुत ही फूले फूले और सॉफ्ट बनेंगे। ये देखिए फ्रेंड दाल हमारी कितनी अच्छी बनी है। अब हम दही भल्लों को तल के तैयार करेंगे। दही भल्ले तलने से पहले मैंने एक बड़े बाउल में यहाँ पर थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लिया है। उसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच नमक, 1 पिंच हींग और इसे हम चम्मच से चला देंगे और इस पानी को हम साइड में रख देंगे। अब हम दही भल्लों को तल के तैयार करते हैं। मैंने गैस पे तेल गरम होने के लिए रख दिया है। दही भल्ले तलने के लिए हमें ज़्यादा हाई गरम तेल नहीं चाहिए, नॉर्मल गरम तेल में ही हम दही भल्ले तल के तैयार करेंगे। और देखिए तेल हमारा यहाँ पे गरम हो गया। इस तरह से हमें दाल को हाथ में लेना है और एक एक दही भल्लों को छोटा छोटा, ज़्यादा बड़े साइज के हम भल्ले नहीं बनाएंगे। इस तरह से हम देख रहे हैं आप, हम दाल ऊपर से डाल रहे हैं तो अपने आप जो है दाल का बैटर छूट रहा है और बड़े हमारे गोल बन रहे हैं, क्योंकि हमने दाल को बहुत फेंटा था। इसीलिए एक हाथ से आप भल्ले इस तरह से गिराते जाए कढ़ाई में और दूसरे हाथ से कोई भी चम्मच या झारा लेके आप इसके ऊपर तेल डालते जाए। इस तरह से हम भल्लों को डाल देंगे कढ़ाई में
देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, और इस एक झाड़े से ऐसे इनके ऊपर तेल करते जाएंगे। इससे क्या है ना फ्रेंड, दोनों साइड से हमारे दही भल्ले तुरंत फूलने लगेंगे, और जब ये बन के तैयार होंगे तो आप खुद देखेंगे कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। इसी तरह से हमें दही भल्लों को गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। देखिए कितना फूला फूला हमारा भल्ला लग रहा है, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, और इन्हें हम गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे, क्योंकि जब हम इसे पानी में डालेंगे तो भी इनका जो कलर है थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, इसीलिए हम थोड़े गोल्डन ब्राउन इन्हें तलेंगे। और फ्रेंड इनमें कहीं से भी किसी भी दही भल्लों में आपको गांठे नहीं मिलेगी, ये मेरी आपसे गारंटी है। आप इस तरह से दही भल्ले जरूर बनाइएगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके दही भल्ले कैसे बने बनाने के बाद। और अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा तेल हम कढ़ाई में साइड से निकालते हुए इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे, और आप देख सकते हैं दही भल्ले हमारे कितने गोल्डन ब्राउन तले गए हैं। ये देखिए फ्रेंड, अब इन दही भल्लों को हमने जो पानी गर्म करके रखा था, गुनगुना पानी लिया था, उसमें हम इन भल्लों को डाल देंगे। इस तरह से अगर आप भल्लों को गुनगुने पानी में डालते हैं ना फ्रेंड, तो बिल्कुल मार्केट जैसे बनते हैं, और इसे हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट बाद जब हम देखेंगे तो हमारे जो भल्लों का साइज है आप देख सकते हैं, फूल के डबल हो गए हैं, और भल्ले हमारे बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। अब देखिए मैं आपको पास से कट करके दिखाती हूँ, चक्कू से काटते समय कहीं से भी बड़ों में जो है गांठे नहीं है, इतने सॉफ्ट बने हैं कि आप देखिए। बीच में मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए सबसे पहले हम दही बना लेते हैं। मैं यहाँ पे दही को एक बैटर जैसा पतला फेंट लूंगी। आप दही को भी मसाले के साथ बना सकते हैं, या ऊपर से भी मसाला सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दही में एक विप्स की सहायता से दही को अच्छे से फेंट लिया है। आप जो दही भल्ले हैं उसे आप सर्व करिए। देखिए थोड़ा सा पानी हम इसका पुश करके निकाल लेंगे, और इस दही में हम इन बड़ों को डीप कर देंगे। इसी तरह से मैं 7 से 7 दही भल्लों को दही में डीप कर दूंगी। इनके ऊपर से हम चम्मच से थोड़ा सा दही डाल देंगे। अब हम इसे खाने वाले की प्लेट में सर्व करने से पहले प्लेट में सर्व करके आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने यहाँ पे एक प्लेट ले ली है, उसमें हम डालेंगे ये दही भल्ले, और देखिए कितने फूले फूले गोल गोल लग रहे हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे दही भल्ले लग रहे हैं। जब आप इन्हें खाएंगे तो इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। मैं यहाँ पे एक बार 5 से 6 दही भल्लों को आपको सर्व करके दिखाती हूँ। उनके ऊपर से भी हम थोड़ा सा दही डाल देंगे। इस तरीके से हम सभी भल्लों पे दही डाल देंगे। इनके ऊपर से मैं डालूंगी भुना हुआ जीरा पाउडर। जीरा को भून के आप उसे मिक्सी में पीस लीजिएगा। लाल मिर्च पाउडर, नमक, अगर आप मसाला ज़्यादा खाते हैं तो आप अपनी पसंद से मसाला कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैं डालूंगी इमली की चटनी। इमली की चटनी की रेसिपी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और सभी दही भल्लों पे हम इस तरह से इमली की चटनी डालेंगे। जब हम किसी को भल्ले सर्व करते हैं तो अगर इस तरह से सर्व करेंगे तो देखने में बहुत सुंदर लगेंगे, और जब खाएंगे तब भी लाजवाब। और इनके ऊपर से हम डालेंगे थोड़ी सी हरे धनिए की चटनी। अगर आपके पास हरे धनिए की चटनी नहीं है तो आप सिर्फ इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, मैं आपको अब कट करके दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट, कितने स्पॉन्जी, कहीं से भी इनमें गांठे नहीं है, और खाने में तो ये बिल्कुल आपको मार्केट जैसे लगेंगे। और देखिए आपको मैं एकदम पास से एक और कट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, आ रहा है ना मुंह में पानी। तो आप इस दही भल्ले की रेसिपी को जरूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप मेरी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। थैंक यू।